विधानसभा क्षेत्र के छर्च में कैलाश वासी राजमाता विजराजे सिंधिया जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भाजपा नेता दिलीप मुदगल द्वारा विशाल अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया। चर्च में हायर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में आयोजित विशाल अन्नकूट भंडारे में करीब 40,000 ग्रामीणों को भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। भाजपा नेता दिलीप मुदगल द्वारा राजमाता सिंधिया की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इससे पहले बैराड़ और पोहरी में भी विशाल अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया जा चुका है। कैबिनेट मंत्री यशोधराजे सिंधिया के कट्टर समर्थकों और भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप मुदगल ने बताया कि कैलाशवासी राजमाता विजयराजे सिंधिया की पुण्यतिथि की सेवा कार्य के रूप में मनाने का संकल्प लेकर उनके द्वारा अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा के अधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। प्रोग्राम था जिसमें हमने धार्मिक अन्नकूट के आयोजन रखा था, जो पूरम में भी हमने बैराज में रखा था, 12 अक्टूबर को और जो 2 नवंबर को पोहरी में रखा था, उसी के क्रम में हमने ये चर्च में रखा है 11 दिसंबर का। इसमें अभी तक कागज 20 से 22 हज़ार लोग प्रसादी ग्रहण कर चुके हैं बैठकर, और अभी कम से कम 10 से 12 हज़ार लोगों के आने की संभावना है और आगे भी कई कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है। हाँ, भविष्य में भी और भी कार्यक्रम किए जाएंगे। राजमाता विजयराजे सिंधिया की पुण्यतिथि 25 जनवरी तक और भी विधानसभा में कार्यक्रम रखे जाएंगे।